नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश धस्मान आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। साथियों, यदा कदा आप टेलीफोनिकली मुझसे वार्तालाप करते हैं बहुत अच्छा लगता है, और कई भाई बहनों ने मुझे बहुत अच्छे संदेश दिए हैं कि आचार्य जी, आपके बताए हुए छोटे छोटे उपायों के द्वारा हम बहुत लाभ ले रहे हैं और हमें भी बड़ी खुशी है कि देखिए, ज्योतिष जो है आपको भ्रमित नहीं करती। ज्योतिष एक प्रकार से अंधेरे कमरे में एक दिया जला दो, ज्योत जला दो, और वो अंधकार को दूर कर देती है। उसी प्रकार से ज्योतिष भी आपके जो आगे कुछ घटनाएं घटने जा रही हैं उन घटनाओं से आपको अवगत करा देती है। प्रारब्ध तो आपका है, आप जैसे कर्म करोगे उन कर्मों के हिसाब से आपको लाभ मिलेगा, उन कर्मों के हिसाब से आपको सफलता मिलेगी। परंतु कर्म अगर आपके अच्छे हैं तो आपको सद्भाव से उन कर्मों के द्वारा काफ़ी सफलता प्राप्त होती चली जाएगी। आइए 31 जुलाई से लेकर के 6 अगस्त तक का साप्ताहिक फलादेश आपसे वार्तालाप करें। मेष राशि वालों के लिए सप्ताह बहुत अच्छा है। श्रावण मास के अंतर्गत मेष राशि वाले इस समय अनेक प्रकार के लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। मित्रों से सहयोग मिलेगा। अगर कार्य कर रहे हैं कहीं नौकरी पेशा में तो आपको सफलता प्राप्त होगी, आपका नाम बढ़ेगा, पद सम्मान की उन्नति रहेगी। इसलिए इस सप्ताह के अंतर्गत भोलेनाथ का ध्यान कीजिए, परमात्मा आपके सभी प्रकार के विकारों को दूर करे और आनंदित ये सप्ताह आपके लिए बीते। वृष राशि वालों के लिए सप्ताह ठीक चल रहा है। पीछे से जो कार्य इनके रुके हुए थे उनमें संपन्नता प्राप्त होगी, लाभ मिलेगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा, दोस्तों से आपको यदा कदा कई प्रकार की नई नई बातें सुनने को मिल जाएंगी और आपके लिए वह उन्नति कारक है। कारोबार में तरक्की होगी, व्यवसाय नौकरी इत्यादि में हैं आप तो आपको नौकरी में सफलता प्राप्त रहेगी और सगे संबंधियों से भी आपको शुभ समाचार मिलने की पूर्ण संभावना है। जिसके बाद चलते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए समय बहुत उत्तम है, लाभकारी है, धन धान्य यशमान में वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद रहेगा। कहीं छुपा हुआ जो भी रुका हुआ आपका धन है, रुक रहा था, उनकी कोई व्यवस्था बनती चली जाएगी। और यदि आप राजयोग में कहीं कार्य कर रहे हैं तो आपको सफलता प्राप्त होगी। मिथुन के बाद चलते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, बहुत उन्नति कारक है, धन धान्य यश मान वृद्धि, परिवार में सुखदायक रहेगा, शुभ समाचार मिलने की संभावना है, अनेक प्रकार की सफलताएं आपके चरण चूमेंगी सप्ताह के अंतर्गत। कर्क के बाद चलते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, लाभकारी है, उन्नति कारक है, यशमान में वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद मिलेगा और नए समाचार आपको आनंदित करेंगे और हर प्रकार से आपको सफलता के परिणाम बनते चले जाएंगे। सिंह के बाद चलते हैं कन्या राशि के लिए। कन्या राशि वालों के लिए समय थोड़ा सा चिंता का है, शरीर का ध्यान रखें, कष्ट हो सकता है, किसी न किसी मित्र के द्वारा आपको गलत शब्द सुनने को प्राप्त हो सकता है, इसलिए वाणी पर संयम दीजिए, थोड़ा वाणी को सुधार करके चलिए, आपको सफलता प्राप्त होगी। इस सप्ताह के अंतर्गत आपने करना क्या है, यदि आप कर सकते हो भगवान शंकर जी की आराधना कीजिए, आपको अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। कन्या के बाद चलते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए ये भाग दौड़ का समय है, थोड़ा सा तेजी बनी रहेगी, शरीर का ध्यान रखें, विशेषतः अपने रक्त विकार इत्यादि हो सकता है, बीपी पर कंट्रोल करें, वाणी पर संयम रखें और बाकी तो आपको लाभ प्राप्त होता चला जाएगा, कहीं कोई रुका हुआ कार्य है वो बनता चला जाएगा। तुला के बाद चलते हैं वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि के लिए यह समय बहुत ही उत्तम है, जो कार्य इनके रुके हुए हैं उन कार्यों में सफलता प्राप्त होगी, यशमान में वृद्धि होगी, धन धान्य की वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद प्राप्त होगा। मित्रों, इस सप्ताह के अंतर्गत यदि आप और लाभ लेना चाहते हो तो गौशाला में जाकर के गौ माताओं को चारा इत्यादि दीजिए, बहुत फायदा होगा। वृश्चिक के बाद चलते हैं धनुराशि वालों के लिए। धनुराशि वालों के लिए समय ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता, शरीर को कष्ट हो सकता है, किसी से वाद विवाद हो सकता है और बिना बात के आपको परेशानी उत्पन्न हो सकती है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समय को अपने समय निकालने के लिए आपने यदि करना है तो भगवान शंकर जी की आराधना कीजिए, आपको बड़ी सफलता मिलेगी। यदि हो सके ओम नमामीश मीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवाशम भजेहम निराकार मौकार मूलम तुरीयम
गिरा ज्ञान गौती तमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम तुषारादि शंकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभसिर शरीरम सफल मौलिकल्लो नीचारु गंगा रसदभालु बालेन्दु कंठि भुजंगा चलत्कुंडलम शुभ्र नेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठ दयालम मृगाधीश चर्मम वरमुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजाम प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम मजम महानकोटि प्रकाशम त्रिशूल निर्मूल नवशूल पाणिम भजेहम भवानीम पतिम भावगम्य कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोहम महापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। रुद्राष्ट भगवान शंकर जी की आराधना कीजिए, भगवान की कृपा से आपके सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा। धनु के बाद चलते हैं मकर राशि में। मकर राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, लाभकारी है, उन्नति कारक है, धन यश मान वृद्धि होगी, हर प्रकार से लाभ मिलेगा। मकर के बाद चलते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, उनके अनुकूल चल रहा है, इसलिए इस सप्ताह के अंतर्गत आप जो है भगवान शंकर जी की आराधना करें और भी सफलता मिलेगी। कुंभ के बाद चलते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा चल रहा है, मन प्रसन्न रहेगा, परिवार में सुख आनंद रहेगा, मित्रों से पूर्ण सहयोग मिलेगा, आनंदित होते हुए आप जो है शुभदायक कर्म करते चले जाओगे। मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और नए विचारों के साथ आपके समक्ष आऊँगा। एक आपसे बात कर वार्तालाप कर लूँ, ये जो मेरा रुद्राक्ष स्तोत्र है, मैं मेरा एक नया वीडियो आ रहा है, उसमें मैंने पूरा ही रुद्राष्ट्र स्तोत्र को पढ़ा है, आप उसे सुन सकते हैं। इस श्रावण मास के अंतर्गत सौण भादों में, श्रावण भादों में यदि जिसने भगवान शंकर जी की आराधना कर दी तो उसको जो है अनेक प्रकार के कष्टों से निवारण हो जाता है। इसलिए आप जितना हो सके इस रुद्राष्ट्र का स्तोत्र को जरूर सुने, जरूर देखें और चिंतन करें। भगवान की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नए शब्दों के साथ, नए विचारों के साथ आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।